आरके मौर्या कॉमर्स क्लासेस की ओर से आज की इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर का थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड है। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है जब कोई डिवेंचर होल्डर किसी कॉल का पेमेंट ना कर पाए। जैसे पेमेंट होती है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, इनमें से जब किसी एक का पेमेंट नहीं कर पाता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं, उसके पास कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें बताना। कह रहा है क्वेश्चन, बीटा लिमिटेड इशूड 15% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। कंपनी का नाम है वीटा लिमिटेड, 15,000 डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी 15% डिबेंचर को 100 रुपीज ईच, मतलब 100 रुपए का एक है। एप्लीकेशन बोला 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 25 रुपीज ऑन अलाटमेंट, 55 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ऑल द डिबेंचर्स वर अप्लाइड फॉर एंड एनी डेली रिसीव्ड रिस्पेक्ट विजय द होल्डर 200 डिबेंचर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बीटा लिमिटेड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है कंपनी का नाम क्या है, वीटा LTD। कितना इशू किया जा रहा है डिबेंचर, 100 रुपीज का एक डिबेंचर है और डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं 15,000। उसके बाद डिबेंचर का जो नेम है 15% डिबेंचर, पूरे क्वेश्चन को हम लोग पहले लिख लेंगे। एप्लीकेशन 20 रुपीज, अलॉटमेंट 25 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 55 रुपीज, टोटल 100। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है 200 डिबेंचर होल्डर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल्ड कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको 15,000 से मल्टीप्लाई एप्लीकेशन पे कर देना है, 3 लाख हो जाएगा। 15,000 से मल्टीप्लाई 25 का में कर देना है, 25 into 15,000 3,75,000। 15,000 से मल्टीप्लाई कर देना है 55 into 15,000 8,25,000। सब कुछ पैसा मिल गया, सब अमाउंट मिल गया, एप्लीकेशन पे मिल गया, अलॉटमेंट में मिल गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 200 डिबेंचर होल्डर ऐसे हैं जो नहीं दे पा रहे हैं, 55 into 200 11,000 माइनस कर देंगे 8,25,000, 8,14,000 अमाउंट मिलेगा। इसमें कोई आंसर नहीं दिया है, इसमें कोई आंसर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर से हमें कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान देना है कोई भी क्वेश्चन आप डिबेंचर से रिलेटेड सॉल्व करें तो आपको कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। आपको ध्यान देना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है,
बीटा एलटीडी लिमिटेड। पहला कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पार्टिकुलर, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इसके लिए मैंने सब कुछ कर दिया है। सब कुछ का मतलब मैंने पूरा मल्टीप्लिकेशन वर्किंग नोट आपको बना के रख दिया है। तो आपको पहले एंट्री करनी पड़ेगी डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। डिवेंचर एप्लीकेशन जब मनी रिसीव्ड होगा तो आपको एंट्री लिखनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट। 15% डिवेंचर अकाउंट, डेबिट में आपको 3 लाख और क्रेडिट में 3 लाख शो कर देना है। सेकेंड एंट्री होती है आपकी डिवेंचर के अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर अकाउंट में। 15% यहाँ पर एप्लीकेशन होगा, सॉरी मैंने नहीं लिखा एप्लीकेशन, 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 15% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर के अमाउंट को, डिवेंचर एप्लीकेशन के अमाउंट को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया मैंने 3 लाख डेबिट में 3 लाख क्रेडिट में। एप्लीकेशन की 2 एंट्रियाँ आपकी हो गई हैं और थर्ड वाली एंट्री जो होगी होगी अलाटमेंट की 15% डिवेंचर अलाटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट 3,75,000। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अलाटमेंट अकाउंट 3,75,000। 2 एंट्री आपकी एप्लीकेशन की और 2 एंट्री आपकी अलाटमेंट की मैंने कर दिया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री होगी 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट 8,25,000। उसके बाद रिसीव होने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रिसीव हो रहा है 8,14,000 8,14,000। कुछ जगह आपको कहीं कहीं पर मिलेगा कॉल सिन एरियर दिखा दिया जाता है, जो पैसा नहीं मिलता कॉल सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट कॉल सिन एरियर अकाउंट डेबिट 11,000। यहाँ हो जाएगा 8,14,000 के स्थान पे 8,25,000। आपको ध्यान देना है कई जगह आपको मिलता है लेकिन आपको उतना ही लिखना है जितना रिसीव हो रहा है उतना ही कर देना है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, आप लिख भी सकेंगे। ठीक है, आपको केवल इतनी एंट्री करनी है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है, इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं 4th नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार जरूर लिखें। अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं।